आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो थ्री फेस की मोटर होती है उसको सिंगल फेस की मदद से कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हम ऐसा VFD की मदद से करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर जो VFD होती है वो इस थ्री फेस की मोटर को सिंगल फेस की मदद से कैसे रन करवाती है और कैसे वो सिंगल फेस को थ्री फेस में बदलती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारी इस वीडियो तक देखते रहिए। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारी जो सिंगल फेस वाली ड्राइव होती है वो हमारी नॉर्मल थ्री फेस VFD की तरह ही होती है और उसकी तरह ही काम करती है। चलिए पहले समझ लेते हैं हमारी जो VFD होती है वो काम कैसे करती है और कैसे ये सिंगल फेस को थ्री फेस में बदलती है। तो अब आपको यहाँ पे ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक VFD का डायग्राम है जिसको सिंगल फेस देने से लेके लास्ट में थ्री फेस निकलने से हमारी मोटर को कनेक्ट करने तक पूरा का पूरा समझाया गया है। सबसे पहले जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है उस पे हम सिंगल फेस सप्लाई देते हैं। यहाँ पे ये जैसे ये फेस हो गया और यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। तो जैसे ही हम सिंगल फेस सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो ये सबसे पहला काम यहाँ पे होता है, इसको AC को DC में बदलने का काम किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा AC को DC में बदलने वाली जो चीज होती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो VFD में भी हम इस सेक्शन को रेक्टिफायर ही बोलेंगे। तो यहाँ से AC से DC बदलने के बाद सीधा ये जाती है हमारे अगले सेक्शन में जहाँ पे IGBT का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको 6 अलग अलग ये IGBT लगी दिखाई दे रही होंगी। ये IGBT सीधा माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होती है और वो माइक्रो कंट्रोलर ही इनको कनेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे AC सप्लाई DC में बदलती है तो ये DC सप्लाई सीधी इन IGBT के ऊपर जाती है और ये जो IGBT होती हैं ये इसको DC से AC में फिर बदल देती हैं। यहाँ पे जितनी भी IGBT होती है इन सभी का जो गेट टर्मिनल होता है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है। VFD के अंदर जितना भी डेटा इनपुट किया जाता है जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है या आदि जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा माइक्रो कंट्रोलर में ही स्टोर होता है और वही माइक्रो कंट्रोलर इन IGBT को भी कंट्रोल करता है। इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर जो ये IGBT का गेट होता है यहाँ पे कुछ वोल्टेज देता है, जैसे 3 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी, इतने वोल्ट देके वो इन सभी IGBT को कंट्रोल करता है और ये सारी की सारी IGBT फिर उसी के अनुसार स्विचिंग करती है। तो जैसे आपको यहाँ पे ये 6 IGBT दिख रही है, यहाँ पे हर एक IGBT के 2-2 पेयर बने होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये 6 IGBT दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2-2 IGBT के 3 पेयर बने हुए होते हैं जहाँ पे ये 2-2 IGBT हमारा R, Y और B ये तीनों फेजों का काम करती हैं। ये जो सेक्शन होता है सारा का सारा काम और प्रोसेस यहीं पे होता है। DC से AC को बदलने वाले उपकरण को हम इन्वर्टर कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन को हम इन्वर्टर ही कह सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये जो IGBT होती है ये DC को AC में कैसे बदलती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर DC से AC में ये IGBT कैसे बदल देती है। तो ऐसा ही माइक्रो कंट्रोलर की मदद से करती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा हमारे भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको इनपुट में दी जाती है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर उसी के हिसाब से IGBT की स्विचिंग कराता है, यानी कि इनको बंद और चालू करता है। मान लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है तो माइक्रो कंट्रोलर इन IGBT को 1 सेकंड में 50 बार बंद और 50 बार चालू करेगा। इस तरीके से ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था आप VFD में कितनी भी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम आउटपुट में यहाँ पे जितनी भी मर्जी हो उतनी फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। वो सारा का सारा हमारा जो ऑपरेशन होता है या फिर हमारी मोटर होती है उसके ऊपर डिपेंड है कि हमें इस मोटर को कितनी स्पीड से चलाना है। इसको हमें अगर कम स्पीड से चलाना है तो हम फ्रीक्वेंसी कम रख सकते हैं और अगर ज्यादा स्पीड से चलाना है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रख सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर इन सबको कंट्रोल कैसे करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 IGBT दिखाई गई है और इनको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया गया है। IGBT का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको गेट कहते हैं। इस टर्मिनल पे ही हम जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो देके ही इनकी स्विचिंग करवाते हैं। जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया था ट्रिगरिंग वोल्टेज वो होती है जो माइक्रो कंट्रोलर इन IGBT की स्विचिंग के लिए इनको प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट वो कुछ भी हो सकता है। साथ ही आपको यहाँ पे ये एक माइक्रो कंट्रोलर भी दिखाई दे रहा होगा। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह का प्रोसेसर ही होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होते हैं ये उन सब की तरह ही एक प्रोसेसर होता है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से ही हम इन IGBT की मदद से हमारी सिंगल फेस AC सप्लाई को थ्री फेस AC सप्लाई में बदल देते हैं। फिर उसकी मदद से हम थ्री फेस
इंडक्शन मोटर हो या जो भी हो वो हम सिंगल फेज की मदद से चला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये VFD से जुड़ा हुआ टॉपिक कि हम अपनी सिंगल फेज की सप्लाई से थ्री फेज की मोटर को कैसे चला सकते हैं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन में कौन सी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मोटर में कार्बन के ब्रश का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी और अन्य धातु के ब्रश का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।